मियां अबू बकर रजा सीईओ रजा मार्केटिंग की जानिब से तमाम डीलर्स कम्युनिटी को एलडीए सिटी के इंस्टॉलमेंट फाइल्स की शानदार लॉन्चिंग तकरीब गाह में मदु किया गया। तकरीब में लाहौर की डीलर बरादरी के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। तलावत कुरान पाक के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी मियां अरशद थे। तकरीब में मियां अरशद के अलावा मियां माजिद इस्लाम, मियां असलम, सलीम राजा, मलिक इरफान, नदीम कासिम खान, अब्दुल हमीद, उमर रजा चौधरी, मलिक उस्मान, मलिक अब्दुल खालिक, मियां तलत, मलिक साकिब रफीक, मोहम्मद सईद समेत डीलर हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। एलडीए सिटी की बात की जाए तो ये फेरोजपुर रोड और रिंग रोड की प्राइम लोकेशन पर वाकिया है, जिसमे 5 मरला 10 मरला और कैनाल की फाइल्स आम लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट पर दस्तयाब हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं और मेहमानों की तवाज़ो बेहतरीन खानों से की गई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मैं मियां तलत साहब का बड़े भाई हैं, इनका तहे दिल से मशकूर हूं कि जो यहां पर तशरीफ लाए अपने छोटे भाई के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए आए। और लाहौर रेंटर्स के सदर चौधरी अकबर साहब और जितने भी मॉडल टाउन डीलर एसोसिएशन के सदर साजद गुजर साहब और भट साहब हमारे इकबाल टाउन से, शौकत जाट साहब, जितने भी एसोसिएशन के सदूर हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एलडीए सिटी से हमारे रेल्टर भाई जो आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने मेहमान हमारे मास्टर क्लाइंट यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप मौजूद खवातीन, आपसे मुखातब होने से पहले मैं एक ऐसी हस्ती को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ जो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम और आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी हैं। कहते हैं कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। दोस्तों, मैं आज इस मकाम पर हूँ, इसमें अल्लाह के फजल करम से मेरे वालदैन की दुआओं के साथ साथ इनकी सरप्रस्ती का अमल है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज इनको अपने इस इवेंट में मदऊ कर सका। ये हस्ती कोई और नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम मियां अरशद साहब हैं, मेरे चीफ गेस्ट मियां अरशद साहब। इनके लिए आप सब जरा एक बार क्लैपिंग करें। वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद जौहर, जो अपने दिलो जान से खिदमत उस्ताद करते हैं। हम दोस्तों के बेहद मशहूर हैं, एक बार पूरे पंडाल के लिए भरपूर तालियां। आप दोस्तों के आने का शुक्रिया। मैडम मौसम से परेशान है, जिस वजह से शायद उन्होंने टेंशन और प्रेशर ज्यादा लिया हुआ है। चौधरी अकबर साहब, प्रेसिडेंट लाहौर डीलर एसोसिएशन, लाहौर रेंटर, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। रजा मार्केटिंग आज यहाँ पे जो पंडाल सजाया है, ये इस बात का भी बोलता सबूत है कि ये मेहनती लोग हैं, ये इस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और चौधरी साहब, हम भी कुछ अल्फाज सुनना चाहते हैं, भरपूर तालियां चौधरी साहब के। नाम दुहू सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़र्द कायन रब्त मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मैं सबसे पहले मियां अबू बकर साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और जौहर टाउन एसोसिएशन का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पंडाल को सजाया। और सबसे पहली बात, जिस अदारे से हमारा रोज़गार मुंसलिक हो, हमें उस अदारे की खैर मांगनी चाहिए।
रजा ग्रुप इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट देने जा रहा है। एलडीए सिटी नो डाउट डीएचए को कॉपी करने की एक मिसाल है। हम डीएचए के लोग इस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह अपना किरदार भी अदा करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहां लाहौर के तमाम जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। इस मौके पे मुकर्रीन ने निजाम टीवी से गुफ्तगु भी की। आप मिलाइजा फरमाएं। जी हमारे साथ मौजूद है रजा ग्रुप के सीईओ अबू बकर रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। माशाल्लाह जो आपने शानदार यहाँ पे इवेंट कराया और डीलर की और जो कसीर तादाद ने यहाँ पे शिरकत की उससे तो ये लगता है कि ये उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बड़ा सराहा है। क्या कहेंगे इस वाले से आप? जी मैं तमाम रियल्टर्स कम्युनिटी का तहे दिल से मशकूर हूँ। जो मेरे क्लाइंट मेरे इन्वेस्टर यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम ये इवेंट जोहर टाउन पीसी अदर हॉल में भी कर सकते थे लेकिन हमारा ये था कि हम एलडीए सिटी में इस इवेंट को करें कि लोग आएँ यहाँ पर और इसकी डेवलपमेंट देखें। ये जितना डेवलप हो गया एरिया लोगों को इसका पता ही नहीं है। घर बैठे कुछ दोस्त कह देते हैं कि ये सोसाइटी फ्रॉड है। अल्लाह के बंदो ये एलडीए का अपना प्रोजेक्ट है जिसमें आप अदर सोसाइटी में जाती हैं किसी का एनओसी नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी की ज़मीन नहीं है। ये तो एलडीए का अपना प्रोजेक्ट है और एलडीए का अपना प्रोजेक्ट तो अप्रूव तो है ही है। दूसरा इसमें यह है कि लैंड के इवज जो चीज़ इधर डिलीवर हो रही है वो लैंड के इवज है। अगर लैंड हमने दी एलडीए को तो उसने हमें फाइज देनी है तो इसमें कोई किसी तरह का अभाम नहीं है और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और नहायत मुनासिब कीमत की सोसाइटी है। सर आपसे एक सवाल है कि अभी एक ईद आ रही है और ईद पे कसीर तादाद पाकिस्तानियों घर पर ईद मनाने के लिए आती है अपनी जमा पूंजी लेके आती है। वो कहती है हमको प्लाट लें घर लें तो क्या मैसेज देंगे उनको आप? सर जिस तरह के हालात हैं हमने तो एलडीए सिटी में नहायत ही आसान इकसाद के ऊपर हम पहले जो जितनी भी फाइल्स थी हमारी हम कैश के ऊपर सेल करते थे लेकिन अब हमने ये तीन इंस्टॉलमेंट प्लान जो है ना वो शो करवा के तो लोगों को और लोगों की सहूलत के लिए कि वो बड़े आराम से पैसे दे सकें उसके ऊपर। और इसका जो रेट्स वाइज आप देखें तो 30 लाख 5 मरला की कीमत है 50 लाख रुपया 10 मरला और 1 करोड़ 80 लाख रुपया और वो भी आपने 3 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। और साबित हो और हम सब दोस्त भाई हम इसके लिए दुआ गो भी हैं। हम सिर्फ दुआएं नहीं करेंगे हम इनके लिए इनके प्रोजेक्ट के लिए अपनी मार्केट जाके डीएचए लाहौर में जाके इनकी बात भी करेंगे और इंशाल्लाह इतना साफ सुथरा प्रोजेक्ट एक अच्छी चीज़ रियल्टर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्होंने आज इंस्टॉलमेंट्स का भी अनाउंस किया है इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चंद 100 फाइलें चंद दिनों में इंशाल्लाह ये बेचने में कामयाब भी होंगे और आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी। अपने छोटे भाई को यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह के साफ़ सुथरे काम जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो कोई इशू ना हो इसी तरह के काम ये करें। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है असद रात से प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं। सर आज जो रजा मार्केटिंग की जानिब से यहाँ एलडीए में जो फाइल इंस्टॉलमेंट की आज सर्मनी की गई क्या कहेंगे उस वाले से आप? बेहतरीन एक्सीलेंट एक्सक्लूसिव और मैं समझता हूँ कि जनरल पब्लिक के लिए ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और 6 माह बाद जिसका पोजेशन मिलेगा बैलेटिंग होगी और उससे 6 माह बाद इसका पोजेशन होगा। एलडीए सिटी में जो ऑब्ज़र्व किया है और क्योंकि हम इसमें दो सब काम कर रहे हैं यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स और 6 माह बाद होंगे घर बनाने के लिए इन्वेस्टर्स और स्पेशली बिल्डर्स के लिए बेहतरीन लोकेशन है। और रजा मार्केटिंग ने जो स्टेप लिया है हमारे भाई हैं अबू बकर रजा साहब अल्लाह ताला उनको बरकत डाले इस काम में जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर उन्होंने इस सोसाइटी को मुतारफ़ करवाया क्योंकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी तारफ की मोहताज नहीं है। वो दूसरी सोसाइटीज़ को दूसरे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है तो इसको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सबसे पहले मेरी रजा मार्केटिंग मियाँ अबू बकर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद एक बहुत कामयाब इवेंट पर। उन्होंने इन हालात में इस महंगाई के दौर में इंस्टॉलमेंट में एलडी की स्कीम में एक प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवाया है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है छोटी इन्वेस्टमेंट है लोगों को रिलीफ मिलेगा इसका फ़ायदा डीलर ब्रादरी को भी होगा इन्वेस्टरों को भी होगा जेन्युइन क्लाइंट्स को भी होगा उनको तो जो फ़ायदा होना है वो तो होगा लेकिन ये क्योंकि एलडीए अथॉरिटी से मुंसलिक एक प्रोजेक्ट है
जितना ज़्यादा यहाँ काम होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और एलडीए को भी इसका फ़ायदा होगा। मुबारकबाद देना चाहूँगा रजा मार्केटिंग वालों को और बिलखसूस मियाँ अबू बकर साहब को कि इन्होंने आज का इवेंट जो है अपनी लॉन्चिंग सेरेमनी जो की है वो अल्लाह के पाक कलाम से नाज शरीफ से और बयान करवा के यानी आने वाले जितने ऑडियंस थे माशाल्लाह इनको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक बेहतरीन पैगाम देने का एहतमाम किया, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं सबसे पहले रजा ग्रुप को आज मुबारकबाद दूंगा, सीईओ साहब को जो मियां अबू बकर रजा साहब हैं कि उन्होंने ऑन ग्राउंड एलडीए सिटी की भी इज्जत को बहाल किया, कि ऑन ग्राउंड एक फंक्शन रखा है। आज तक जितनी बड़ी कंपनियाँ या जो इस डेवलपमेंट कर रही हैं जो भी इसमें थी फाइलें दे रही थी लोगों को, किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि ऑन ग्राउंड आकर वो इसको यहाँ पर ऐसा कोई इवेंट करे, कोई फंक्शन करे जिसमें इसकी इज्जत में भी इजाफा हो। तो ये रजा ग्रुप को ये एक मेरा मकसद है कि क्रेडिट देना चाहिए कि जिसने ऑन ग्राउंड ये सारा कुछ किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एलडीए सिटी की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि जो है वो पेमेंट प्लान जो है ईजी इंस्टॉलमेंट पर आया है। 2013 से जो भी इसका पेमेंट प्लान था वो कैश पर चल रहा था। इसमें अगर मैं कैटागरी की बात करूँ, 5 मरला 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल की कैटागरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा एलडीए सिटी की हिस्ट्री में हमने जो है वो पेमेंट प्लान इजी इंस्टॉलमेंट पे इंट्रोड्यूस करवाया। 5 मरला की अगर मैं बात करूं तो वो 30 लाख में इजी इंस्टॉलमेंट पे, 10 मरला जो है 50 लाख में, 1 कनाल जो है वो 80 लाख में है। अगर इसकी थोड़ी सी मैं इसको डिस्क्राइब करूँ ज़रा एलडीए सिटी को, तो बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, शानदार जो है वो लोकेशन पर वाक़ है। फिरोज़पुर रोड इसको लिंक कर रहा है, डिफेंस रोड इसको लिंक कर रहा है, दूसरा काना काछा रोड इसको लिंक कर रहा है और तीन इंटरचेंज जो हैं वो इसको लिंक कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अगर मैं रोड्स की बात करूं तो 40 फीट रोड है, 75 फीट रोड है, 150 फीट रोड है और 200 और 300 फीट के जो हैं वो मेन बुलेवार्ड मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर की जो है वो डीलर कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद थी, कसीद तादाद में बिल्कुल हर बंदा मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह। DHA से, दूसरा इकबाल टाउन से, जौहर टाउन से, हर जगह से जो है वो डीलर कम्युनिटी मौजूद थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार जो है कामयाब जो है वो जो था दूसरा आज का इवेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरामैन तैयब हसनैन के साथ काशिफ हसन, निज़ाम TV लाहौर।